किसान भाई और बहनों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जो धान की रोपाई का समय चल रहा है और धान से अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जिस समय हम धान की रोपाई करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। खेत की जुताई 2-3 बार करके उसको जो है लेजर लाइन लेवलर से समतल कर लेना चाहिए और उसके बाद में फिर जो है हमको पटलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी भरकर जो है खेत के अंदर 2-3 बार जो है पानी भरे हुए खेत में या तो ट्रैक्टर से या देसी हल से जुताई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारी मिट्टी जो है लेह युक्त हो जाए। इसके 2 फायदे होते हैं पडलिंग करने के। एक तो जो है हमारा पानी का निक्षालन जो नीचे मिट्टी के अंदर चला जाता है वो भी रुक जाता है, और दूसरी बात ये है कि हमारे खरपतवार भी कम आते हैं। तो ऐसा करने से जो है हमारी जो है पैदावार अच्छी होती है और हमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है और खरपतवार कम आते हैं। तो आपको जो है रोपाई से पहले अच्छे ढंग से पडलिंग करनी चाहिए, और पडलिंग करने के साथ साथ जो है आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत से किसान भाई और बहन जो हैं ससबेनिया या जिसको हम ढैंचा भी कहते हैं तथा हाँ एक सनई होती है इसकी हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसको यदि आपने उगाया है और उसको जो है मिट्टी के अंदर मिलाया है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप तुरंत जो है उस जुताई करके मिट्टी के अंदर मिला दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रोपाई करने के बीच में और उसको मिट्टी के मिलाने में कम से कम जो है 10 से 12 दिन का टाइम होना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है, बहुत से किसान भाई और बहन जो हैं ढैंचा या सनई को तुरंत मिलाने के बाद में और तुरंत पडलिंग करके रोपाई कर देते हैं तो उनकी जो है पौध मर जाती है। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है जिस समय हम रोपाई करते हैं, तो उसके लिए जो है मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्व का प्रबंधन करना चाहिए धान के अंदर अपनी किस्म के अनुसार। यदि किसी कारणवश आप पोषक तत्व प्रबंधन मृदा परीक्षण के आधार पर नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी आपकी फास्फोरस की पूरी मात्रा है, पोटास की पूरी मात्रा, जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम, जो कॉमन हमारी अच्छी पैदावार देने वाली किस्में धान की हैं उनके लिए लगभग 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट। तो इसकी पूरी मात्रा जो है आप जो पडलिंग कर रहे हैं, हम लास्ट जुताई कर रहे हैं, उस समय डाल देनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको नाइट्रोजन जो है रोपाई के समय नहीं देनी चाहिए। क्यों रोपाई के समय क्यों नहीं देनी चाहिए? यदि हम नाइट्रोजन हम रोपाई के समय देते हैं या तो जो है वातावरण में जो है वो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाएगी और या जो है वो मिट्टी के अंदर जो है पानी में बहकर नीचे चली जाएगी। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन को उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि नाइट्रोजन को जो है 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। रोपाई के 1 सप्ताह बाद 1/3 भाग और 1/3 भाग बची हुई मात्रा को जो है 25 से 30 दिन बाद और 1/3 भाग जो बची हुई होती है उसको 50 से 55 दिन बाद देनी चाहिए। इस तरीके से जो है हम नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ा सकते हैं धान के अंदर। और इसके साथ साथ जब हम खेत के अंदर रोपाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ से हम पौध को उखाड़ रहे हैं तो पौध को उखाड़ने से पहले जो है हम पानी भर दें रात के समय या शाम के समय, ताकि जो है हम सुबह जब पौध उखाड़ें तो अच्छे ढंग से हमारी पौध उगड़े और पौध को उखाड़ते समय जो है जड़ों को नुकसान न हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और बहते हुए पानी में जो है पौधों की जड़ों को जो है उनको साफ कर लें और तभी जो है उसकी रोपाई करें। और रोपाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि लाइन में ही लगाएं धान को, और लाइन में लगाएंगे तो उसके 2 फायदे होंगे, आपको वीडिंग करने में भी फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ जो कल्ले भी अच्छे बनेंगे। और कभी कभी जब हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने में भी सुविधा रहती है। लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए धान के अंदर, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, अर्थात हमारे 40 से 50 पौधे जो हैं प्रति वर्ग मीटर में आ जाएं, इस तरीके से रोपाई करनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक स्थान पर 2 पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि यदि हम 1 पौधा लगाते हैं किसी कारणवश मर जाता है तो हमको गैप फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और किसान भाई कभी कभी जो है वो धान की रोपाई देर से करते हैं, तो देर से करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आपकी पौध बड़ी हो जाती है तो उसको जो है ऊपर से तोड़ दें तभी लगाएं, ताकि आपके कल्ले अच्छे बनते हैं। तो इस तरीके से जो है रोपाई करनी चाहिए, और रोपाई करने के बाद हो सकता है कुछ खरपतवार आने की संभावना बढ़ जाती है, और यदि आप किसी कारणवश जो है मैकेनिकली जो है वीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो है कुछ खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो रोपाई करने के 2-3 दिन के बाद ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई आती है,
उसकी जो है 1.5 लीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर देना चाहिए। ये ना मिले तो एनिलोफोस होती है, जिसकी 400 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से उसके अंदर जो है फिर खरपतवार काम आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरीके से यदि धान की रोपाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी।